हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल में एक बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस सी बर्फी। ये है पिस्ता बर्फी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे हम और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बनी भी बहुत ही अच्छी है। और दो चार टिप्स भी मैंने इसमें शेयर किए हैं, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिए और इस दिवाली पर आप इसे ज़रूर से बनाइए और सबके साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एकदम मार्केट स्टाइल में बनी है ये। तो रेसिपी के लिए पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बनाते हैं हम अपनी पिस्ता बर्फी। पिस्ता बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार करेंगे, मीठा वाला। तो ये मैंने एक कटोरी के करीब मिल्क पाउडर लिया है इस कटोरी के नाप से, और इसी कटोरी से हम एक कटोरी से थोड़ा कम चीनी लेंगे। मावा हम मीठा वाला बनाएंगे और इसके अंदर हम ये एक चम्मच घी डालेंगे। ये छोटी एक चम्मच घी है और ये आधा ग्लास दूध लिया है मैंने। इससे हम इसको नीचे ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। मावा बनाने के लिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और अभी हम नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ी देर साइड में कर देते हैं। और हम पिस्ता बर्फी बना रहे हैं तो ये मैंने 100 ग्राम पिस्ता लिए हैं ये, और ये सॉल्टेड पिस्ता है। तो इसको हम थोड़ा सा पानी के, गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये मैंने थोड़ा गर्म पानी कर दिया है और इस पिस्ते को हम इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे एक तो इसका सॉल्ट जो है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो हम बर्फ़ी को काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो अभी हम इसको 5 मिनट तक गर्म पानी के अंदर रहने देंगे। पिस्ते को हमने गर्म पानी से निकालने के बाद 3-4 बार और ठंडे पानी से भी अच्छे से वॉश किया तो इसके जो सारे छिलके थे वो सब रिमूव हो गए और ये बहुत ही सुंदर कलर लगने लगा इसका। तो अब हम इसको एक जार के अंदर डालेंगे और ये सब इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़े से 5-10 काजू भी डालेंगे इसके साथ में। और हम इसके अंदर ये चम्मच से 1 चम्मच दूध डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। ऐसा बनाना है हमको। और फिर एक बार मिक्सी चलाने के बाद फिर हमने 1 चम्मच दूध इसके अंदर और ऐड किया, तब ये ऐसा स्मूथ सा बना। अब हम मावा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको लगातार चलाते रहेंगे और मावा बन के तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। मावे को हमने दूसरी साइड में रख दिया है और इसके ऊपर हम जो हमने पेस्ट बनाया था उसकी सिकाई करेंगे। तो ये मैंने ये थोड़ा सा घी लिया है 1 छोटी चम्मच, और लो फ्लेम के ऊपर हमने जो ये पेस्ट बनाया है पिस्ता वाला इसकी सिकाई करेंगे हम। पाँच मिनट तक हम इसकी सिकाई करेंगे। अब इसकी सिकाई होते होते 5 मिनट हो गए और ये काफ़ी अच्छे से सिक चुका है। हमने धीमी आंच के ऊपर इसकी सिकाई करी और ये इसने कढ़ाई भी छोड़ना चालू कर दिया है और थोड़ा थोड़ा इसका घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर ये हमने मावा बनाया है ये भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, तो ये मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और इसके साथ ही हम इसके अंदर नारियल पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। एक चम्मच बड़ा चम्मच लिया है मैंने ये। अब ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है बर्फ़ी जमाने के लिए, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको हमने 2-3 मिनट तक पैन के अंदर रखा रहने दिया। और अब ट्रे के ऊपर हमने घी लगा लिया है और इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वरक लगाऊंगी। बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, ये आधा घंटा हो गया था हमको, तो हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो बन के रेडी है हमारी बहुत ही डिलीशियस और एकदम टेस्टी सी पिस्ता बर्फी। इस दिवाली पर इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है, ये देखिए आप। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।